दोस्तों, ये दूसरा वीडियो, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको नोटिफिकेशन कैसे पढ़ते हैं वो बता रहे हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर 13/2018 डेटेड 26 जुलाई 2018 है। जनरली जो डेट यहाँ पर लिखा होता है वही इफेक्टिव डेट होता है, अनटिल अनलेस। उन्होंने यहाँ पर क्या किया इस नोटिफिकेशन में कि उन्होंने यहाँ ये लिखा हुआ है कि इट विल कम इफेक्ट फ्रॉम 27 जुलाई 2018। तो अगर ये नहीं लिखा होता तो इफेक्टिव डेट 26 जुलाई 2018 हो जाता। इसमें अगर आप यहां देखेंगे तो इन्होंने लिखा हुआ है कि 28 जून 2017 को नोटिफिकेशन नंबर जो आया था 11/2017, उसमें अगेंस्ट सीरियल नंबर 7 कॉलम 3 फॉर आइटम 1 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। अब मुझे क्या करना होगा, ये कौन सा आइटम सब्स्टिट्यूट किया गया है उसके लिए मुझे नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 में जाना होगा। तो हम लोग एक बुक भी निकालते हैं जिसका नाम है जीएसटी इजी सर्च बाय सीए विपन एंड शशांक अग्रवाल। ये किताब है हमारे पास जो ऑन सेल है, आप यूट्यूब के वीडियो में ढूंढ लीजिएगा। और ये देखिए नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 28 जून 2017, इन्होंने कहा उसके हेडिंग नंबर 7 में जाने के लिए। तो ये हेडिंग नंबर, ये बेसिकली सीरियल नंबर 1, 2, 3, ये 7th हेडिंग 9963 अकोमोडेशन फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज, उसका पॉइंट नंबर 1 इसको वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया ए, उसमें एक नई एंट्री डाली आई ए जो पहले नहीं थी, और एक फिफ्थ डाली, फिफ्थ भी सब्स्टिट्यूटेड है, ये देखिए सब्स्टिट्यूटेड। तो जो लोग इस तरह से सीखना चाह रहे हैं उनके लिए भी बेटर है। और वो आप नोटिफिकेशन, अगर आप ये वीडियो देख लेते तो नोटिफिकेशन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इसके बाद ये ओरिजिनल था, ये भी अमेंड हुआ था, ये भी अमेंड हुआ था। वहां पर लिखा हुआ देखिए सर्व अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो मैं आपको दिखलाता हूं ये भी अमेंड हुआ था। नोटिफिकेशन नंबर 48/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट 14 नवंबर 2017, जो मैंने व्हाइट बोर्ड में भी आपको दिखलाया था, ये देखिए अगेन सीरियल नंबर 7 ए आइटम 1 सब्स्टिट्यूटेड। तो यहां पर ये देखिए वो चीज नहीं, अल्कोहलिक लिकर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अब तीन नोटिफिकेशन को आप एक साथ पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि आखिर कहानी क्या है। और ये तीनों नोटिफिकेशन का कंटेंट आपको हमेशा पता होना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में। उसका सिंपल रीजन क्या है, आपके पास असेसमेंट का नोटिस 2 साल बाद आता है कि आप अगस्त 2017 का आपने टैक्स नहीं दिया, उसके डॉक्यूमेंट लेके आओ। तो उस वक्त जो अगस्त 2017 का जो रूल है वो एप्लीकेबल होगा। बोलता 15 नवंबर का आपने टैक्स नहीं दिया, उसमें ये कमी है वो कमी है, वो लेके आइए, इस पे आपको इतना टैक्स लगना चाहिए। तो 14 नवंबर से टैक्स रेट चेंज हुआ, 14 नवंबर से पहले क्या था, 14 नवंबर से क्या हो गया, तो वो कहानी आपको पता होनी चाहिए। फिर 26 जून 2018 यानी कि 27 जून 2018 से, जून नहीं होगा जुलाई होगा, तो 27 जुलाई 2018 से क्या क्या चेंजेस हुए वो आपको पता होना चाहिए। और केस तो 2 साल बाद भी आ सकता है, 3 साल भी बाद भी आ सकता है, 5 साल के अंदर भी आ सकता है, तो दैट यू शुड नो। इसीलिए इंपॉर्टेंट है डेट भी। वापस आते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, 1 में सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस ऑफ गुड्स बींग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक प्रोवाइडेड बाय रेस्टोरेंट eating joints including mess canteen whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article। अब ये जो लाइन लिखी है mess canteen whether for consumption or any other premises, और इसमें यहां पर देखिए explanation 1 में उन्होंने क्या लिखा, this item includes such supply at a canteen mess cafeteria or dining space of an institution such as school college hospital industrial unit office by such institution। तो हमने क्या किया, जब हमने जो चार्ट बनाया था, मैं आपको वो चार्ट दिखाता हूं, तो हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने रेस्टोरेंट का मतलब लिख दिया मेस कैंटीन कैफेटेरिया या टेक अवे। तो वहीं से डेफिनेशन वहीं से आ रहा है, कैंटीन मेस कैफेटेरिया और डाइनिंग स्पेस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, ये दिखलाता हूं आपको। तो हमने यहां लिखा है स्कूल कॉलेज ऑफिस इंडस्ट्रियल यूनिट इवेंट बेस्ड और ओकेजनल, ये कहां से आ रहा है ये दिखलाता हूं आपको। दिस आइटम इंक्लूड्स दिस फॉर सच सप्लाई प्रोवाइडेड दैट सच सप्लाई नॉट इवेंट बेस्ड और ओकेजनल। अगर इवेंट बेस्ड और ओकेजनल नहीं है तभी 2.5 + 2.5 5% है। तो हमने वीडियो में क्या किया, हमने पूछा इवेंट बेस्ड और ओकेजनल है यस तब 18%, नहीं है तभी 5% है, तभी 5% है, क्लियर है। इसके बाद इन्होंने लिखा ये रेस्टोरेंट है अदर देन दोज लोकेटेड इन द प्रीमाइसेस होटल वगैरह 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 डिक्लेयर टैरिफ ऑफ एनी यूनिट
एनी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन ऑफ 7,500 रुपीज एंड अबव पर यूनिट पर डे और इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब डॉलर में है तो उसको चेंज कर दीजिए, रुपीज में आ जाएगा। तो हमने क्या कहा वीडियो में कि रेस्टोरेंट इन ए होटल जहां पर अप टू 7,499 ऑफ ऑल यूनिट, किसी भी एक यूनिट का 7,500 या उसके ज्यादा है तब 18% वरना 5% है। ये आ गया और यहां पर लिखा हुआ है हमने नंबर वन, तो वही हमने यहां पर नंबर वन यहां लिखा। नंबर थ्री यहां से आ रहा है जिस पर रेट हमने 18% लिखा, दिखाता हूं आपको। ये वन टू और ये थर्ड 9%, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूट हुआ था। ये देखिए नंबर थर्ड यहां पर लिखा हुआ है ऑफ 7,500 रुपीज एंड अबव पर यूनिट पर डे और इक्विवेलेंट 18%, तो थर्ड इसीलिए यहीं से आया था। तो आप समझ पा रहे हैं हमने क्या किया, नोटिफिकेशन को, सारा नोटिफिकेशन एक साथ पढ़ के इस तरह से हमने इसको बना दिया। फिर स्टैंड अलोन में हमने वन लिखा, तो स्टैंड अलोन कहां से आ रहा है, यहीं से आ रहा है, नंबर वन से आ रहा है। फिर ये जो हमने लिखा कंपोजिशन स्कीम के कारण लिखा, कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल है या नहीं वो तो कंपोजिशन स्कीम के सेक्शन 10 से आएगा। फिर ये देखिए यहां पर फाइव और वन, फाइव देखिए मैं दिखलाता हूं फाइव में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस ऑफ गुड्स बीइंग फूड एट एग्जीबिशन हॉल इवेंट्स कॉन्फ्रेंसेस मैरिज हॉल्स एंड अदर आउटडोर और कैटर दैट आर इवेंट बेस्ड एंड ओकेजनल इन नेचर, ओकेजनल इन नेचर। तो हमने यहीं पर इवेंट बेस्ड और ओकेजनल इन नेचर यहां कर दिया। फिर हमने अलग से भी लिख दिया आउटडोर कैटरिंग मैरिज वगैरह जो बोल रहा था वहां पर 9% विद थर्टी से, यानी कि 18% यहां पर 18% यहां भी 18। ये सेवन में लिखा हुआ रेंटिंग ऑफ प्लेस विद फूड और ड्रिंक्स कन्वेंशन सेंटर होटल प्रीमाइसेस टुगेदर विद रेंटिंग ऑफ सच प्रीमाइसेस, तो वो यहां से आ गया। अब बचा हुआ क्या है टू, ये टू होटल रूम्स का वो मैं अलग से करवाऊंगा, सिक्स और ये एट, तीन चीजें बची हुई है जो मैं अलग से करवाऊंगा। अच्छा ये इंडियन रेलवेज वाला IRCTC और लाइसेंस IA में है, देखिए ये तो अभी नहीं आया है, ये वन ये IA जिसका 2.5+2.5 इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन और इंडियन रेलवेज एंड और देयर लाइसेंसेस whether in trains or at platform। तो आप एक बात समझ लीजिए, आपको GST की अगर complete knowledge होगी जिसमें CGST Act, IGST एक एक चीज आपको पता होगा तभी आप अच्छी तरह से analysis कर सकते हैं, नहीं तो इधर उधर से पूछते रहिएगा जिस किसको कितना पता है आपको भी नहीं पता होगा तो आप क्या कहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे या उसकी बात मान लेंगे और आप अच्छा डिस्कशन भी नहीं कर पाएंगे GST का। तो उसके लिए आपको अच्छा कंप्लीट नॉलेज के लिए आपको हम लोग जो कोर्स करवाते हैं उसको जरूर कर लीजिए, आपको फायदा ही होगा। हम लोग आपसे पैसे बहुत कम मांग रहे हैं और 1 अगस्त से प्राइस भी हम लोग बढ़ा रहे हैं इसकी, 500 रुपीज हम लोग एक्सीड कर देंगे, तो 1 अगस्त से पहले खरीद लीजिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू।